इंदौर शहर में संयुक्त माली सैनी महासभा के राजनीतिक मंथन के लिए कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में करीब 50 जिलों के 60 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। संयुक्त माली सैनी महासभा कोर ग्रुप की बैठक भोपाल के डिप्टी कलेक्टर जीपी माली के मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश खाद्य विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से रामनारायण चौहान, पूर्व पार्षद सत्यनारायण आजाद, गजानन भाटी, मुन्ना थलोरे, दौलत तवर, पत्रकार मनोहर लिम्बोदिया यादव, कन्हैया लाल मौर्य, अशोक भाटी, समाज सेविका श्रीमती अलका सैनी, राजेंद्र सोनी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। चुनाव आने वाले हैं, वो चाहे नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत जिला अध्यक्ष के चुनाव हो, इसमें हमारे आगे के लिए हमारे लोगों का रास्ता बनाना चाहिए। चूंकि क्या है कि विधानसभा की सीटें तो सिर्फ 230 है और 230 सीटों में जो है मेरा जो इतने साल का पॉलिटिकल एक्सपोजर है, जो मैं बड़े नेताओं के साथ रहा हूँ, जो मेरा कन्वर्सेशन होता है या राजनीतिक पार्टियों में मैं जब उठता बैठता हूँ। बैठक के दौरान मुख्य विषय रखा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाज की क्या भूमिका रहेगी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए समाज बंधुओं को वर्चस्व के आधार पर विधानसभा सीट दिलाने के लिए पूरा समाज एकजुट होकर प्रयास करे। वर्तमान में अकेले मध्य प्रदेश में माली समाज की 20 लाख से अधिक आबादी है, जो विभिन्न इलाकों में निवासरत है। बैठक में तय किया गया कि यदि इस बार राजनीतिक दलों ने माली समाज की अवहेलना की तो उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा और विभिन्न जिलों के समाज बाहुल्य क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। समाज की यह महत्वपूर्ण मैराथन बैठक लगभग 5 घंटे से अधिक समय तक चली।